धमतरी जिले में नशे के कारण से बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के 5 वार्डों में महिला कमांडो का गठन किया गया है। बता दें कि यह महिलाएं वार्डों में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, अड्डेबाजी सहित अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए काम करेंगी। वहीं इन महिलाओं को कलेक्टर नम्रता गांधी और SP आंजनेय वासरडेय की उपस्थिति में साड़ी, डंडा, सीटी और टोपी प्रदान किया गया। दरअसल धमतरी में नशे के कारण से अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं शहर में नशे के कारण हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठन, वार्ड पार्षद सहित NGO की मदद ली जा रही है। बता दें कि शहर के 5 वार्डों का चयन किया गया है जहां सबसे ज्यादा नशाखोरी और अपराध होते हैं। इन वार्डों में महिला कमांडो, सामाजिक, धार्मिक संगठन सहित NGO के कार्यकर्ता काम करेंगे और नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाएंगे। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। एक अच्छी पहल की गई, इससे पूर्व में SP साहब और कलेक्टर मैडम के द्वारा एक शांति समिति की बैठक की गई थी, उसमें अलग अलग सुझाव आए थे। उसमें हमारे वार्ड वासियों ने, हमारे पार्षदगण ने एक सुझाव रखा था कि इससे पूर्व में जो महिला कमांडो का गठन हुआ था, जो अवैध काम, नशाखोरी पे लगाम लगा था, कुछ उसी तरीके से महिला कमांडो को जागरूक करना पड़ेगा, उनको फिर से एक टीम गठित करनी पड़ेगी। उसी के संदर्भ में आज 5 वार्डों को लेकर आमापारा, मोटर स्टैंड, महेंद्र दासी का सालेवार और मकेश्वर वार्ड की जो मात्र शक्ति है वो आए थे 10-10 की संख्या में, और SP साहब और कलेक्टर मैडम ने उनको बताया कि हमें आगे कैसे काम करना है। और आप देखेंगे देश का भविष्य अगर कोई है तो युवा है। आज युवा कैसे नशे में लिप्त है, और कई लोग हैं जो नशे में लिप्त हैं और अपने अपने वार्ड में हुंगदंग मचाते हैं, उनके लिए महिला टीम का गठित किया गया है और उनको आज विसिल, डंडा, कैप, साड़ी इत्यादि दी गई है ताकि वार्डों में घूम कर वो इस अपराध को रोके। आगे वार्ड में नशा मुक्ति को कम करने के लिए एक हम नया अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम नारी शक्ति के माध्यम से 5 वार्डों में 5 संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से जोड़ करके हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में यही रहेगा कि अपराध पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए और नशे का जो प्रयोग हो रहा है जगह जगह उस पर अंकुश लगे, क्योंकि इसमें सभी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, शासन प्रशासन सभी विभाग जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, पार्षदगण भी जुड़े हुए हैं और पुलिस का भी लगातार सहयोग रहेगा। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है निश्चित तौर पर अपराध पर एक प्रभावी अंकुश लगेगा और नशे के प्रयोग में भी कमी आएगी। ये SP साहब वार्ड पार्षदों की पहल से आज धमतरी में 5 वार्डों में महिला समूह के साथ मिलकर नशा मुक्ति के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। इस पहल का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगा।